सो हेलो किसके हाल चाल, इस वीडियो को स्वागत है सभी का एक और वीडियो में। आज अपन वापस है थर्ड मैच के मेरे दोस्त। हाँ पता है, मैंने आज दिनों की भी हैट्रिक मार दिया है। दो दिन पहले मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें मैं तीन गेम प्ले शायद आपको लोगों को दिखाया था और तीनों में मैं थर्ड में गया था और आज मैंने दिनों की भी हैट्रिक मार दी। तीसरा दिन है, पिछले तीन दिन से मैं थर्ड में ही जाया जा रहा हूँ। क्या बताऊँ भाई, कुछ ज़्यादा मेरे लकी साबित हो रहा है। फिलहाल जो भी हो, आज लकी साबित नहीं हुआ, यहाँ पर कोई भी नहीं आया था। मुश्किल से मुझे ये एक बंदा स्पॉट हुआ। स्पॉट हो मतलब सुन जाना भी एक तरह से स्पॉट होना ही है। पर देखना, शानदार किल चोरी, बहुत ही शानदार किल चोरी। बढ़िया भाई, एक तरह से टीम ने किल चोरी कर लिया, क्योंकि थर्डल जैसी जगह से तुम एक किल करके जाओ तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे तो लगता भाई, मतलब एक किल भी क्या ही करना है, इसलिए मैंने कहा ठीक है भाई ले जा तू ही। लेकिन यहां पे एक और बंदे, इसको मार के अब लग रहा था कि हाँ यार वो पहले वाला किल भी मेरे को ले लेना चाहिए था। और देखना, यहाँ से मैं जैसे ही बाहर निकलता हूँ मुझे और फुटस्टेप्स आते हैं और मुझे और भी ज़्यादा रिग्रेट होता है। बट कोई नहीं, इन बंदे को मार ले तो इससे पहले मेरा टीममेट इनके किल चोरी करे वापस है। ये देखो बंदा ऊपर की तरफ गया और ये बिल्कुल ही ख़त्म बंदा था। मतलब यार इसको मैंने खड़े खड़े ही मार दिया और ये मेरा टीममेट क्यों बाद में शूट करे जा रहा है। भाई वो मर चुका है, अब क्या उसकी पीटी को भी फोड़ेगा। फिलहाल जो भी हो, दो किल छी यार, वो काश एक ले लेता ना तो तीन तो हो जाते। लेकिन तीन किल हो जाते तो मैं तीन किल से कंप्लेंट करता कि मेरी किस्मत खराब है तीन ही किल मिलने। फिलहाल मैं बाकी से देखो गाड़ी पकड़ चुका था और मैं यहाँ से कूदाने वाला था, क्योंकि टीममेट मेरा उस पार था, वो बेचारा नदी क्रॉस करके आता, समय लगता तो मैं उसको पिक तो कर लेता हूँ। लेकिन पीछे अब बस तुम देखते जाना ये बंदा कितना नाक में दम करने वाला है। UMP-45 इसके पास, तो ये उस वॉच टावर में था, तो मैंने सोचा ठीक है बेटा गाड़ी घुमा के उसी तरफ आ रहे हैं। देखो सामने एक फ्लेयर ड्रॉप था, पर अभी उसको इग्नोर करना पड़ेगा, ये बंदे को देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं देखो गाड़ी इतनी देर पहले कुदा के लाया था तब इसने शूट नहीं करा। वैसे अच्छा है नहीं करा, क्योंकि तब मेरे पास बैकअप नहीं था, मेरा टीममेट भी उस तरह था। फिलहाल जो भी हो, वॉच टावर के पास पहुंचते हैं। घरों पर मैंने चेक करा था कि क्या पता वहाँ मिल जाए, वहाँ छोड़ो मुझे लगता है यहाँ पर भी नहीं, क्योंकि थोड़े बहुत तो फुटस्टेप देता ना यार। मैं भी इस कमरे में कैंप कर रहा हूँ, यहाँ मैंने चेक करा कोने में और किसी भी कोने में नहीं था भाई। मैं समझ चुका था भी हमको और तंग करेगा और तुम्हें पता ही ऐसे प्लेयर्स के पीछे में बावड़ा हो जाता हूँ। मैंने सोचा ठीक है इग्नोर करते हैं आज, थोड़ा खुद को कंट्रोल करते हैं साहिल, और बंदे पुश कर सकता हूँ मैं। लेकिन ये टीममेट ने मेरे अंदर का कीड़ा जगा दिया, कह दिया कि पत्थर के पास है। मैं कन्फ्यूज नहीं है, मैं बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं था, मुझे दिख चुका है भाई गन शॉट्स की आवाज़ आ चुकी थी। थैंक गॉड ये बंदा मर गया, क्योंकि ये नहीं मरता ना तो इसके पीछे मैं अपना आधा मैच गवा देता, क्योंकि ये यही पंतिया करता, पानी में जाता फिर निकल जाता, पानी में जाता फिर निकल जाता। शांति से मिल गई मेरे को। फिलहाल मैं गाड़ी लेकर थोड़ा इस तरफ आया, आई मीन विलेज नहीं, ये कौन सा एरिया है मेरे को नहीं पता भाई। मैं ये फ्लेयर ड्रॉप लूटना है, सिंपल का ये तो। और ये फ्लेयर ड्रॉप मेरा नहीं था, हाँ मैंने नहीं चलाई थी भाई फ्लेयर, कोई बेवकूफ इंसान फ्लेयर चला गया, ड्रॉप की कोई परवाह नहीं, वो निकल जाता कहीं और ही। तो मैं इसके सारे वेपन्स लेके निकल चुका था यहाँ से और मैंने सामने कुछ नोटिस करा, ये बोट है नहीं जो रियल प्लेयर है, गिल्ली सूट है बंदे के पास। इसी बंदे ने तो नहीं मंगाए थे फ्लेयर ड्रॉप जितना मेरे को लगता है, क्योंकि उस पास गिली सूट था ना, और उस ड्रॉप में क्या गिली सूट था याद नहीं मुझे यार। देखो अगर इसने मंगाया होता तो पक्का ही गिली सूट लूट के थोड़ी जाता, सिर्फ ना M24 and AWM भी ले लेता। वेला मैं गाड़ी लेकर देखो अपार्टमेंट की तरफ आया, एक्चुअली मैं जोन की तरफ जा रहा था, पर मैंने सोचा फुटस्टेप ले लेते हैं और फुटस्टेप लेने के चक्कर में मैंने गाड़ी ठोकी थी। नहीं इतनी भी कुछ भयंकर नहीं कि फूट ही जाए, लेकिन अंदर से देखो फुटस्टेप आ चुका है। कसम से ब्रो इस बंदे को छोड़ के मन कर रहा था ये जो दूसरी तरफ लड़ियाँ जल रही है ना वहाँ पे फाइट करूँ। ऑसम फाइट हो चुकी थी। और ये बंदा शिट हो गया भाई, गाड़ी लेकर निकल जाता है। और इस टाइम पे मैंने सोचा था कि भाई ये जो साइड में लड़ियाँ जल रही है ना, भले दो स्क्वाड आ जाए उन सबको छोड़ो उसको मारूंगा। लेकिन ये क्या पता नहीं भाई ये कौन था, मे बी वो जो बंदा भाग के उसका टीममेट हो, हू नोस। समझ गया मैं, पक्का टीममेट था। तब ये देखो वापस आया बंदा और मेरे टीममेट ने इसको खत्म कर दिया। अब बार ये दूसरी टीम की जहाँ पे इतनी मस्त यूजी वूजी चल रही थी भाई साहब। अब यहाँ से कुछ दिख तो नहीं रहा था, बस एक स्मोक दिख रहा था, स्कोपिंग करा मैंने तब जाके ये बस लग ही गया भाई ये वाला स्प्रे गलती से। नहीं तो देखा ना तुमने कितना नेक्स्ट लेवल रिकॉइल गन ऊपर जाया जा रही थी, मुश्किल से मुझे घसीट के ला रहा था कि अरे भाई कहाँ जा रही है तू। ये बंदा थोड़ा सा भी दूर होता ना तो भाई स्प्रे नहीं लगने वाला था।
ओके, अगर तुमने वहां पे नोटिस करा हो, मैंने दो बंदे नॉक कर दिए और वहां पे फ्रोजन एक फेंका गया ना, एकदम से धुआं सा उठा था, तो मैं समझ चुका था भाई साहब तीसरा बंदा भी है कोई ना कोई, और वो दिख भी गया था मेरे को, दो बंदे भाग के गए थे, तो फटाक से मेरे को क्लोज इन करना पड़ेगा और ग्रेनेड वहां पर फेंकना पड़ेगा, क्योंकि सारे जितना सकते फ्रोजन के पास ही होंगे वो देखो। बिल्कुल मेरे दोस्त, और ये ग्रेनेड इनकी हालत अटैक करने वाले कसम से। खड़ा है बेवकूफ, उसे पता नहीं भाई साइड में इतनी सॉलिड चीज पकड़ी है। एक ही डब्ल्यू के शॉट के साथ पूरी टीम खत्म हो जाती है, जो मतलब किल 5 से 8 पे गए ना, देख के ही मजा आ गया यार। और ऊपर देखो 8-8 का स्कोर हो चुका है, सही मैच जा रहा है, मेरे अलावा 6 बंदे बचे हैं, 6 के 6 के किल मिल गए तो ये कुछ ज्यादा लेजेंडरी चला जाएगा। फिलहाल जो भी मैं गाड़ी लेकर सेंट्रल रोड रेड जोन में घूम रहा था, और मेरे को थर्ड निकला था एक्चुअली, जोन भी देखो एक तरह से वहीं पे था, और वहाँ पे एक फ्लेयर ड्रॉप भी आ रहा था, तो भाई क्यों नहीं जाए। और तुमने देखा आज के मैच में मेरे को कोई फ्लेयर नहीं मिली, लेकिन बंदों को भाई जनता को इतनी फ्लेयर मिल रही है ना कि बस बताने की जरूरत ही नहीं है। फिलहाल देखो तुम्हें बंदा देख चुका होगा ड्रॉप लूटता हो, दिखा ना हो तो शायद सुन गया होगा ना, मैं शांत था भाई अच्छी तरह। वो देखो बंदा लूट के दूसरे वाले घर में चला गया था, और ये ड्रॉप इतनी ज्यादा दिक्कत दे देता ना मेरे को। ये देखो कुछ दिख रहा है सामने, घंटा कुछ नहीं। ग्रेनेड मैंने ये तो ऐसे ही फेंक दिया क्योंकि मेरे को दिख नहीं रहा था कुछ, मैंने सोचा अब ढंग से देख के मारूंगा, लेकिन दिख ही नहीं रहा भाई बंदा, कहाँ फेंक दूं मैं ग्रेनेड। लेकिन फिर भी पका दिया तो भाई फेंकना तो पड़ेगा, खुद पे तो फोड़ नहीं सकता। अब मैं थोड़ा फोकस करता हूं कि ये जो पीला धुआं है कुछ करके मैं इसके आर पार देख सकूं। वो देखो बंदे ने ईडब्ल्यू चलाया, और मेरे ख्याल से उसको भी यही प्रॉब्लम हो रही है, उसे भी पीले धुएं की वजह से मैं दिख नहीं रहूँगा, उसने भी ऐसी गोली चला दी, बिल्कुल वैसे गई मेरे पास से थी। अब मैं अभी भी फोकस नहीं कर पा रहा था भाई, मैं सोचा इस तरह से आता हूँ यहाँ से कुछ दिख जाए, नहीं नहीं नहीं, एक तो बीच में है ना पीला धुआं, तो इसका इफेक्ट आसपास भी पड़ रहा है, तो मैं इस तरफ आया पीले वाले घर पे जाता हूं, तो क्या पता बात बन जाए। लेकिन नहीं भाई, बंदा दिखाई नहीं, और इसे शायद से ड्रॉप भी ढंग से नहीं लूटा था। टीममेट नॉक हो गया है, एक्चुअली जब ये ड्रॉप लूटर था ना तभी हम आ गए थे, इसी फटकी जल्दी से घर की तरफ निकल गया, M249 उठाना भूल गया। वो देखो ग्रेनेड वगैरह फेंकने का ट्राई करता है, और देखो ये कहाँ पे है। कभी कभी तो मन करता है कुछ कुछ बंदों के ना कान में जाके बताया कि भाई देखो ये वाले टिप्स एंड ट्रिक्स मत अप्लाई करो, मर जाओगे सर, सीरियसली बता रहा हूँ मर जाओगे, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, ये बता दी तो फिर ये क्या पता अपने को लपेट दे। अब मेरे को एक बार के लगा क्या पता ये रश करना आ जाए भाई की आंखें खुल जाए, नहीं 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 कुछ भी नहीं खुलता, वहीं के वहीं चिपका रहता है बंदा, और अब तो कुछ ज्यादा ही चिपक गया था, देखो कहीं देख रहा था। वैसे कैंपर्स लोगों का ना एम हमेशा बढ़िया रहता है नॉर्मल प्लेयर से, यानी कि तुम एक बढ़िया प्लेयर से भी बढ़िया कह सकते हो, क्योंकि ये स्टेबल रहते हैं एक जगह, जिगल वगैरह करते नहीं है, चिपके रहते एक जगह, और तुम्हें पता है भाई स्टेबल रहोगे, स्टेबल तुम्हारी गन है तो काय का ही एम बिगड़ना है, इजिली एम कर सकते हो, लेकिन वो है कि सामने वाला मूवमेंट देगा ना तुम्हारी हालत टाइट हो जानी है। फिलहाल जो भी हो, मैं अब गाड़ी लेकर नहीं स्की करके जोन में निकल चुका था, छोटा सा तो जोन बचा है, मैं वाले घर में जाता हूँ। ऊपर मैं जैसे गया और मैंने जैसे ड्रॉप की तरफ देखा, वो देखो एक रियल प्लेयर भागता हुआ आता है, वह बहुत ही कमाल बॉडी शॉट लगा, और अब देखो बढ़िया चाल चली बंदे ने, एकदम से वो प्रोन हो गया, देखा ना मुझे एम करने में कितनी दिक्कत हुई, तुम भी इससे सीख सकते हो, कहीं से बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ जाए ना भाई, कुछ भी मौका ना मिले पसर जाओ, एक जगह लेट जाओ, मैं बता रहा बंदे का एम एकदम से बिगड़ जाएगा। जैसे मेरे को देखो मैंने काफ़ी स्ट्रगल करा उसको एक गोली मारने में, एक गोली का तो बच ही रखा था वो। वेल मैं भी देखो प्रोन हो जाता हूँ, क्योंकि इसका कोई टीममेट आ रहा था सामने से, नहीं सुन रहा तुम्हें, मुझे पता नहीं सुन रहा होगा, अब तो बिल्कुल सुन गया होगा, दिख भी गया होगा, अब ये पक्का इसको बचाने आया है, बट सैड मैंने इसको फिनिश कर दिया क्योंकि इनकी पूरी टीम खत्म होने वाली, तो भाई क्या क्या करोगे तुम वापस से रिवाइव करके। अब वो मुझे कुचल ना दे इसलिए स्की करना ज़रूरी है भाई, इसकी बड़ा सही फीचर है, तुम गाड़ी से बहुत कम चांस है कुछ ले जाने के। वापस से वो बंदा पीछे से घूम के आया, लेकिन मैंने सोचा भाई बार बार स्की से मैं बच नहीं पाऊंगा, पेड़ का कवर ले लेता हूँ, और स्की टू यहाँ पे मिस हो गया। ओ भाई बंदा बच के निकल ही जाता, लेकिन कहाँ गया है भाई, वो जोन के बाहर गया, देखो उसको आना उसी तरफ से है, या तो स्मोक होल बना के आएगा वो, तो एक तरह से देखा जाए तो फंस चुका है, और मेरे पास देखो अच्छा खासा रिच का भी कवर है, और मेरे पास जोन का भी कवर है, तो भाई ये बंदा खत्म है समझ लो। मिस हुआ, इट्स ओके, थोड़ा आगे की तरफ एम करूंगा मैं। ओ भाई व्हाट द हेक, देखा ना तुमने शॉट लग चुका था पर उसका डैमेज रजिस्टर नहीं हुआ, और वो स्मोक होल किसने बनाई है ये देखो, उस बंदे को मारने में क्या बिजी हुआ ये भाई साहब, सही स्मोक होल बना के कवर में आ गया, ड्रॉप के पीछे था, मुझे पता था एक बार तो शक्ल दिखाएगा ही, और चलो इस बार मिस नहीं हुआ, एक बारी में बंदे को खत्म करा, कल दे है किचन डिनर। इस वाले मैच में मेरे को स्टेडियम में आया था, और बस मैं ही आया था, मैं और मेरा टीममेट, और कोई नहीं आता यहाँ पे, तो हम लोग गाड़ी लेकर अपार्टमेंट से होते होते निकल चुके थे आगे की तरफ, और आगे से कुछ गनशॉट्स तो आए, पता नहीं रियल था फिर बॉट थे वो लोग, लेकिन यहाँ एक रियल प्लेयर जरूर है, कसम से मरने के काम कर रहा था मैं, लेकिन मैंने सोचा ले लेते हैं ना रिस्क, एक बंदा ही तो है देख लेंगे।
गाड़ी से कुछ लस बंदे को मैंने और बंदे का नाम देखा, हाय बोलो। अब पता नहीं ये सच में किसी का नाम है लेकिन मुझे नहीं लगता भाई ये किसी का नाम हो सकता है ना। हाय बोलो, लो भाई हाय बोल दिया। पहला खाता मेरा खुल चुका था, मैं गाड़ी लेकर आगे की तरफ निकला क्योंकि यहाँ कैसे एक कैंप भी चल रही थी, दरवाजे भी खुले पड़े हैं और बंदा भी मस्त भागे जा रहा है, तो मैं एकदम से तो नहीं रुकता लेकिन मेरे टीममेट को फिर भी उतरना था। मैंने कोई नहीं चिल, वो बंदा देखो ऊपर की तरफ जा चुका, तो मैंने सोचा ठीक है भैया अभी अपने को भी ऊपर ही जाना पड़ेगा है ना, लेवल सेम करके फाइट लेनी पड़ती है। और इसे पता नहीं कि बहुत सॉलिड चीज़ पकड़ी है, ख़त्म है ये। क्या था भाई ये, क्या था वो ग्रेनेड, कहाँ पे गया जो ग्रेनेड में टॉस कर रहा था वो कहाँ गया। कोई नहीं, अब मैं तो उसका क्रेट लूटने जाने वाला था पर मुझे कुछ सुनाई देता है, मतलब दिखाई देता है वो। देखो क्या ये एक्सीडेंट हुआ भाई, इतना तगड़ा तो डॉक्टर स्ट्रेंज का भी नहीं हुआ था भाई, क्या ही गाड़ी पलटी थी उसकी। फिलहाल मुझे वो पक्का इस बंदे का टीममेट होगा जो कि इस घर के अंदर है, तुम्हें नहीं पता। यप मैंने इसकी मैं बात कर रहा था, ये देखो स्कारल वाला बंदा और पीछे से डाशे वाला बंदा, ये दोनों पक्का टीममेट्स लग रहे थे मेरे को। पहले मैंने देखो यहाँ पे स्मोक फेंका, पता हूँ क्यों, क्योंकि वहाँ से मैं भाई सेलिब्रेट करके एक वेस्ट ले लूँगा, मेरे पास वेस्ट नहीं है यार, तुम्हें पता ही है मैं ज़्यादा हेलमेट वेस्ट के पीछे भागते नहीं, पर मेरा लेवल 1 का हेलमेट भी डैमेज्ड है, तो यार सच में अभी तो वेस्ट ले लेना चाहिए। अरे भाई बहुत ही ज़्यादा लो कर दिया कसम से। वो देखो दूर से एक और स्कारल चली, वो डाशिया वाला बंदा था पक्का, लेकिन समझ नहीं आ रहा था मेरे को कहाँ से कवर दे रहा था। मैंने सेलिब्रेट करा भी कि नहीं पता नहीं, मेरे खुद को ही नहीं पता, लेकिन कोई नहीं लेवल 1 की वेस्ट मिल गई, चिल है मेरे को। मेरा बस ऐसा है कि मेरे को अगर लेवल 1 के आर्मर्स मिल जाएंगे ना तो भी बहुत है, तो भी मैं बिल्कुल रेडी हूँ, भले सामने आरपीजी स्किल के वाले बंदे हो, लेकिन हाँ एक तो कोई कपड़ा होना चाहिए सर पे या छाती पे कौन बोलता है अभी। फिलहाल चलो निकलते हैं। इसको नॉक करते पहले तो मैंने इसके टीममेट को देखा कि वो किस तरफ चला गया यार, लेकिन वो नहीं मिलता भाई, वो बिल्कुल मिलता ही नहीं यहाँ पे। इसको फिनिश करने के बाद बस यहाँ पे एक किल मिला, इतनी ज़्यादा मगजबारी मैंने वहाँ पे करी। कोई नहीं, मैं अब गाड़ी लेकर देखो थोड़ा स्टेडियम की तरफ निकल चुका था और वहाँ मैंने एक ड्रॉप भी था और एक USB आपको दिख रही होगी शायद, और इसमें सिर्फ एक बंदा होता है, मतलब दूर से ही दिख रहा था, इसलिए इसके पीछे लगा रहता है। मैंने कहा टीममेट से कि भाई तो चाहे तो फोड़ दे, लेकिन जैसे ही 2 गोली का बच रहा तब छोड़ दियो बस। लेकिन मेरे को फालतू में 30 मार खा बनना था, मुझे पता नहीं था मेरी इसका क्या बोल रहा हूँ रिलोडेड नहीं है, 10M होते बस भाई, और 10 में तो क्या ही होता है, 10 में तो एक बंदा भी नहीं मरता इस गेम में। और मैं यहाँ पे इस बंदे को चकमा देना चाह रहा था कि इस रोड से ही जाएगा तो मैं पहले कट मार के निकल जाऊंगा, लेकिन वो तो भाई मेरे को चकमा देगा, स्टेडियम के अंदर ही ले जाता है। कोई नहीं, हम अपने को स्टेडियम की तरफ जाना पड़ेगा। और ये क्या गोली इस बंदे ने चली, लगता तो नहीं है क्योंकि इतनी जल्दी छत पर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ये गनशॉट के बाद छत की तरफ से ही आई थी, इसका मतलब समझे दया 2 बंदे पक्का ठीक है ना। अब फुटस्टेप तो एक के भी नहीं आ रहे अगर 2 बंदे तो, लेकिन अब बिल्कुल एक के राइट से आते और एक ऊपर जा चुका है, अब क्योंकि इनमें डिस्टेंस काफी है तो मैंने सोचा इसको लपेट देते पहले। ग्रेट, मैं इस पे शूट करूं और ये कूद के मेरे टीममेट को मारने गए, क्या क्या हो भाई तुम। अच्छा ओके, इसको खत्म करो और अब इसका टीममेट साइड से जागरूक होता है, मतलब अभी तक इतनी पिटाई हो रही थी तब नहीं आया ये। और एक बात बताऊं तुम्हें, देखना इनका मैं क्रेट लूटता हूँ और स्कारल चला रहा था तेरी देर से, फाइनली मुझे M4 मिल जाती है भाई कसम से। ये 2 तो देखो यहाँ पर थे और बाकी के 2 ये देखो अपार्टमेंट की तरफ से गन शॉट्स की आवाज आ रही है तुम्हें। वो देखो सामने से एक USB गई थी, मैंने यहाँ पे स्कोपिंग कराई कौन गोली चला रहा, और यहाँ पे देखो 2 बंदे भाई साहब ऊपर सांप बने पड़े हैं। बहुत तगड़े वाला स्ट्रगल है भाई ये, जब इतू सा बंदा दिख रहा हो और जायरो में तुम सिंगल टैप मारने का ट्राई करो, बहुत दिक्कत होती है, मुझे तो बहुत ज्यादा होती है। यहाँ से मैं कुछ नहीं उखाड़ पाता, मैं वैसे मैंने इनकी हालत तो काफ़ी टाइट कर दी थी, बट देखो मैं नॉक नहीं कर पाता इसलिए मेरे को क्लोज इन करना ही पड़ता है। एक ग्रेनेड मैंने टॉस करा, मुझे लगा टीममेट यहाँ की रोकेगा तो ग्रेनेड ऊपर फेंक दूंगा, पर भाई कोई नहीं ग्रेनेड तो बिल्कुल सही गया था देखो ऊपर की तरफ ही, पर वो कोई बंदा रडार में आया नहीं। अब ये बंदा भाई साहब कहाँ जा रहे हो यार, इधर था मैं। कोई नहीं, अब मैंने देखो बैंडेजेस वगैरह लगाए और मेरा टीममेट देखना ग्रेनेड टॉस करता है और वो ग्रेनेड देखना कहाँ फेंकता है। नहीं बहुत ही बढ़िया भाई, टीममेट को ही उड़ा दो तुम। फिलहाल मैंने ड्रिंक लगाया,
ग्रेनेड फट चुका था चौके ड्रिंक लगाने के बाद। अब मैं ऊपर जस्ट जाने वाला था और मेरे को ये देखो भाई बंदा क्या ही देख रहा था। ओ डैम हालत टाइट होने वाली थी। और ये अभी भी यहीं पे ही है, अभी भी यहीं पे ऊपर चला जा भाई। बहुत ही क्रिएटिव बंदे को यहाँ पे मैंने नॉक कर दिया और मैंने मेरे टीममेट से कहा कि रश मत कर बेटर रहेगा, वो बंदा उसको रिवाइव कर ले। अगर हम ऊपर फाइट करने गए तो ऑफ कोर्स हमसे फाइट करेगा और मैं तो फालतू में यार इतनी भसड़ करके मारेंगे, स्मार्टली मारते हैं ना थोड़ा। अब तुम्हें पता है अक्सर बंदे इंस्टेंट रिवाइव करते तो मुझे पता था पक्का वो सीढ़ियों में रिवाइव करोगा, थोड़ा बहुत ऊपर चला गया होगा और मुझे पता है उस जगह तक ग्रेनेड कैसे पहुँचाना है, बस तुम देखते जाओ। बिल्कुल ये ग्रेनेड एक तरह से यहीं पर फेंका था, मैंने चाहता तो मैं यहाँ से फेंक सकता था पर स्टाइल भी तो मारना है ना यार। ये देखो ये होता है असली स्टाइल, मतलब मार्क टू लोकेशन। यप अब देखो नीचे से कोई बंदा चला आ रहा था, मुझे लगा भाई इनको रिवाइव वगैरह ना मिल जाए। एक तो इतने अच्छी स्मार्टली तरीके से मैंने बंदे को नॉक करा, खुद नॉक होके और बैठ गया हूँ। अब हाँ तुम्हें बेशक फुटस्टेप्स की आवाज आ रही होगी, नीचे से कोई ऊपर आ रहा है पर भाई मेरे ठीक ऊपर भी एक बंदा है। सोच के देखो इतना बड़ा सांप कोई कैसे हो सकता है, नीचे टीममेट्स पिल रहे हैं। नहीं भाई साहब को फिर भी कैंपिंग करनी है। अब पता नहीं तुम लोगों को सुना या फिर नहीं लेकिन अपनी आंखों से ही देख लो, आंखों से भी नहीं दिखेगा भाई ये सॉलिड कैंपर है, छुपे जाते हैं। और अब ये मैच काफी तेजी पकड़ने वाला है। अरे यार अब भी नहीं पकड़ेगा तो कब पकड़ेगा, बंदे कितने बच रखे, 11 बंदे पूरे बचे हैं। फिलहाल मैंने सामने गाड़ी फटी हुई देखी थोड़ी टाइट हालत में और वहां एक बंदा भी मुझे दिखा। देखो मित्रों डैमेज रजिस्टर नहीं हुआ, नहीं तो तुम्हारे भाई ने फिर भी यहाँ से 4 गोली बंदे के कनेक्ट कर दी थी। अब तुम्हें पता है मैं कहाँ जाने वाला हूँ, ऑफ कोर्स यार वहीं पर ही जाना था अपने को। मैं गाड़ी लेकर इस तरफ आया और यहाँ पे टोटल 4-5 गाड़ी है। वो देखो साइड में भी डाशिया थी, उस तरफ भी डाशिया थी कुछ। और यहाँ भाई दिमाग घूम जाएगा मेरा, मतलब इतने बंदे हैं ना कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ भाई, शूट किस पे करूँ, कौन से पे पहले शूट करूँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब यहाँ अंदर देखा 2 बंदे होते हैं, और एक देखो नीचे से भी आ रहा था। वो देखो ग्रेनेड कोई फेंक रहा है भाई, मैंने अपना किल सिक्योर करा। ये बंदा सही चलाकी कर गया भाई साहब, ये इसी ने ग्रेनेड टॉस करा था, टीममेट मर गया तो निकल दो। ये देखो ऊपर कहीं M249 वाला बंदा भी है तो समझ जाओ 3 बंदे तो अभी भी यहाँ पे आराम से यार। ओ भाई खत्म है, खत्म मैं बोलना चाहिए था मेरे को। फिलहाल जो भी हो मेरे को डर लग रहा था यार बंदे वहां से रश करने ना आ जाए एकदम से, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, मेरे को रिवाइव मिल गया। इनफैक्ट मैंने हील भी कर लिया था। मैं इस गैराज पे जाता हूँ और सामने जो बंदा था ना इसको देखता हूँ। ये देखो यहीं पे इसकी मुंडी थी ना, हम पे शूट करना चाह रहा था। मैंने ग्रेनेड टॉस करो, वहाँ मेरे को एक और बंदा स्पॉट हुआ। मैं समझ चुका था ये अब गाड़ी लेके निकलेगा, इनको टीममेट्स की कदर ही नहीं है भाई मैं बता रहा। लो यहाँ पे पूरी टीम खत्म हो जाती है। अब देखना यहाँ पे मैं फाइट में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका था, इतना ज़्यादा फोकस्ड हो चुका था, मैं भूल चुका था भाई जोन वगैरह भी कुछ होता है। और मैंने सोचा लगा लेंगे आराम से फर्स्ट एड, दिक्कत थोड़ी ना, उतर भी गया मैं। मैंने सोचा जोन थोड़ा बहुत ही काटेगा पर जब मेरी नज़र गई भाई तो बहुत जल्दी कट रहा है। यहाँ पे सीन क्रिएट हो जाता है और मैंने टीममेट से कहा भाई जल्दी आना पड़ेगा तेरे को, मेरा टीममेट भी मेरे से 100 मीटर दूर है और देख रहे हो कितनी जल्दी ब्लीड आउट हो रहा हूँ मैं। कसम से भाई अब मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी, अगर टीममेट हाथ लगा भी दे तो। ये देखो हल्का हल्का स्लोली ब्लीड आउट हो रहा था मैं क्योंकि टीममेट रिवाइव करने लगा था, बट स्टिल समझ लीजिए अब क्या होने वाला है।